हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों रोमन रेंस ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीता और कब सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस जीतेंगे रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। दोस्तों, आज रॉ में हिस्ट्री क्रिएट हुई है, ऐसा दिन जो मेमोरेबल रहेगा रोमन रेंस के फैंस के लिए। आज रोमन रेंस द बिग डॉग बन गए हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और इसी के साथ बन गए हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन। उन्होंने मिस को हराया रॉ के मेन इवेंट में। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम मतलब वो बंदा या बंदी जो सारे चैंपियनशिप जीत लेते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मिस टीवी में द मिस बड़े मॉक कर रहे थे द शील्ड को और खासकर रोमन रेंस को। फिर शील्ड की एंट्री होती है क्राउड से और वो रिंग में आ जाते हैं मिस टूराज के सामने। वो दो टीम्स एक दूसरे पर शॉट्स फायर करते हैं और फिर सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस भी कहते हैं कि उनको अब रॉ टैग टाइटल्स को जीतने की जरूरत है। और फिर रोमन रेंस भी मिस को चैलेंज करते हैं फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और फिर मेन इवेंट में वो हरा देते हैं मिस को और बन जाते हैं न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एंड द ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो दोस्तों, सवाल है कि क्यों बने रोमन रेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। दोस्तों, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस को रॉ टैग टीम चैंपियनशिप इसलिए हराया गया था ताकि शील्ड एक हो जाए और उनकी मैच हो जाए सर्वाइवर सीरीज में न्यू डे के साथ। पर अब ये चैप्टर खत्म हो गया है और द शील्ड अपने अपने टाइटल्स के पीछे जाएंगे। एक बात है, वो साथ रहेंगे फॉर नाउ पर चैंपियंस बनकर, इसलिए रोमन रेंस को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाया गया। और वैसे भी मिस एज अ चैंपियन ज्यादा रेटिंग नहीं ला रहे थे, इसलिए रोमन रेंस एक टॉप गाय को विंस मैकमैन ने चैंपियनशिप जितवा दी। और दोस्तों, जैसे आपको पता है कि द र्यूमर्ड रेसलमेनिया 34 मेन इवेंट है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप और रोमन रेंस के ये मैच जीतने के बहुत चांसेस है। दोस्तों, ये फिक्स नहीं है, अब तक र्यूमर्स है, पर अगर वो जीतते हैं तो WWE हिस्ट्री में वो बहुत बड़े ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनेंगे, क्योंकि जो भी ग्रैंड स्लैम चैंपियन बना है उन लोगों ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैक्सिमम जीती नहीं है। तो जब रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतेंगे रेसलमेनिया 34 में तो वो नंबर वन स्पॉट पर होंगे। और रही बात डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस की, तो वो भी बहुत जल्द रॉ टैग टाइटल्स जीत लेंगे। इन दोनों का रीमैच क्लॉज भी बाकी है द बार के खिलाफ, तो वो रॉयल रंबल से पहले अप्लाई करेंगे और बन जाएंगे रॉ टैग टीम चैंपियंस। और फिर दोस्तों, वो नजारा कुछ ओल्ड टाइम्स जैसे दिखेगा। और फाइनली पेज का रिटर्न हुआ आज रॉ में और उन्होंने अटैक किया रॉ वुमेन्स पर। और फिर हमें NXT के दो वुमेन स्टार मैंडी रोज और सोनिया डेविल का डेब्यू देखने मिला और उन्होंने बना दी टीम पेज के साथ और सबको धो दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन की मैच हमें जेसन जॉर्डन के साथ देखने मिली, पर मैच के दौरान ही जेसन जॉर्डन इंजर्ड हो गए। फिर तभी केन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन पर बुरी तरह से अटैक किया। और दोस्तों, कल बहुत बड़ी मैच होने वाली है स्मैकडाउन लाइव में, AJ स्टाइल्स वर्सेस जिंदर महाल फॉर WWE चैंपियनशिप। ये दोस्तों बहुत बड़ी रीमैच होगी। अगर आज रोमन रेंस टाइटल जीते हैं तो हो सकता है कि कल जिंदर महाल टाइटल जीत ले। और वैसे भी जिंदर महाल एकदम फ्रेश है और AJ स्टाइल्स 100% नहीं होंगे उनके फिजिकल मैच के साथ ब्रॉक लेसनर से, तो हमें देखना होगा कि विंस क्या डिसीजन लेते हैं कल। तो दोस्तों, एक्साइटेड रहिए और स्टे ट्यून रहिए स्मैकडाउन लाइव पर, और इसके अपडेट्स जानने के लिए स्टे ट्यून एंड एक्साइटेड रहिए रेसलिंग बादशाह पर। दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कितने खुश हैं रोमन रेंस को ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनता देख, और आपको क्या लगता है कब तक सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस अपना टैग टीम टाइटल्स जीतेंगे। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।